नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो या नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। आपके लिए बहुत बहुत बड़ी अपडेट लेके आए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन बटन ही होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेशन का, एनकरेज का काम करता है। तो कृपा करके हमें एनकरेज जरूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। HSSC की तरफ से ग्रुप सी के लिए 6 ब्रेकिंग अपडेट्स हैं, जो कि CET रिजल्ट एग्जाम रिलेटेड 5 इंफॉर्मेशन हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें। आप देख सकते हो फॉरेस्टर रेंजर की सबसे बड़ी अपडेट है। फॉरेस्टर रेंजर की भर्ती पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल बोले, विपक्ष नहीं चाहता महिलाओं को मिले रोजगार। तो शिक्षा मंत्री कहते हैं जी विपक्ष नहीं चाहता महिलाओं को रोजगार मिले, बट उधर से विपक्ष कह रहा है भाई महिलाओं का जो शारीरिक मापदंड है ये बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ है। तो इसलिए नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये कहा था, तो उनका कोई उदाहरण कोई भी आधार नहीं है, ये कंवरपाल गुज्जर जी कह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आज की विशेष नकारात्मक सोच से भरे हैं कांग्रेसी। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, राजसी मसला बन चुका है। जो कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, कंवरपाल शिक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, तो ये राजसी मुद्दा बन चुका है बहुत तगड़ा। भर्ती पर कोई ऐतराज नहीं। ठीक है जी, तो इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सबसे बड़ी बात है जी भारी बारिश का असर। 12 से 13 जुलाई तक होना था PMT ग्रुप सी PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और TGT के लिए आज से डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग की गई स्क्रूनिटी की गई स्थगित। जो पहले भी आपको बता दें ग्रुप सी के लिए जो PMT आज से शुरू था, आज कितनी डेट है जी 12-11 डेट है, तो आज से जो स्क्रूनिंग और स्क्रूनिटी शुरू थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PMT शुरू था वो स्थगित कर दिया गया भारी बारिश के कारण। जो कि ये PMT 12 से 23 जुलाई तक होना था और आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि PMT को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। PMT को भारी बरसात के कारण स्थगित कर दिया गया है और यह PMT पंचकुला में होना था, तो पंचकुला में भारी बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है जी। टीजीटी के लिए डॉक्यूमेंट स्क्रूनिटी के लिए बनाया गया शेड्यूल भी स्थगित कर दिया है। 11 से 13 जुलाई तक बनाया गया था। इसके तहत TGT संस्कृत, सोशल स्टडीज़, मेवात, TGT होम साइंस को ये थे इनकी स्क्रूनिटी होनी थी। तो इसके 32,000 पदों ने आयोग की भर्ती प्रक्रिया जो चल रही थी सभी का जो शेड्यूल है वो स्थगित कर दिया है। अगस्त के प्रथम सप्ताह में हो सकती है स्क्रीनिंग टेस्ट आपका। ठीक है जी, तो ये देख सकते हो। और कुरुक्षेत्र में भी विवि की सभी परीक्षाएं 13 जुलाई तक की गई हैं स्थगित। ठीक है, और आपको पता है फॉरेस्ट रेंजर की भर्ती भी स्थगित हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो महिलाओं की छाती पर माप पर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। महिला रेंजर की भर्ती पर का विरोध निराधार है, ये कंवरपाल शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। बेटियों की को अपमानित ना करे सरकार, ये सुधा भारद्वाज ने भी कहा है। रंजीत सिंह सुरजेवाला ने भी यही कहा है कि बेटियों को अपमानित ना किया जाए। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट अपडेट की तरफ रुख करते हैं। तो ये देख सकते हो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इकोनॉमिक वीकर सेशन एक्स सर्विसमैन अनुभव से संबंधित त्रुटियां ठीक करने के बाद की सूची जारी होने में 4 दिन का लगेगा समय। अभी भी 4 दिन का समय बाकी लगेगा जी। और यहाँ पर देख सकते हो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के लिए जिन उम्मीदवारों का नाम नहीं आया उन्हें HSSC देख रहा है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से CET का विस्तृत रिजल्ट जारी करने के बाद एक्स सर्विसमैन और इकोनॉमिक वीकर सेशन गलत कैटेगरी गलत अनुभव के गलत अंक लेने, फादरलेस होने के बावजूद 3 संतान से सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक गलत लेने के मामले सामने आए थे,
वे खामियां आयोग ने लगभग दूर कर दी हैं। अब यह सूची लगभग 4 दिन तक का समय लेगी, जारी हो सकती है। दैनिक सवेरा ने सोमवार को पूछा कि त्रुटियां ठीक होने के बाद लगभग 13,000 उम्मीदवार सीट स्कोर में क्या बदलाव होना था और वह सूची कब तक जारी होगी, तो आयोग भोपाल के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी ने बताया है भी आयोग ने त्रुटियां लगभग दूर कर दी हैं और पूरा कर लिया, त्रुटियां सही करके काम पूरा कर लिया है, मगर आयोग का स्टाफ बारिश के कारण कम आ रहा है, इसलिए उन उम्मीदवारों की सूची जारी होने में 4 दिन तक का समय लग सकता है। जो कि आपको पता है ये सूची पंचकूला से जारी होनी है, तो पंचकूला में भारी बारिश के कारण ये भी दिक्कत चल रही है। फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के उम्मीदवारों की चेकिंग चल रही है, तो ये दैनिक सवेरा ने बताया। जो पीएमटी होने हैं, कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से संपर्क साध कर कहा कि पीएमटी के लिए उनका नाम आयोग की वेबसाइट पर नहीं आया। उन्होंने बताया कि वे आयोग में आवेदन देकर भी आए थे, मगर उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा कि उनकी चेकिंग चल रही है, चेकिंग के बाद जो योग्य निकलेंगे उनका नाम बता दिया जाएगा। पीएमटी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल मेजरमेंट का जो टेस्ट का शेड्यूल जारी किया था, ये तो उसके लिए सारे का सारा शेड्यूल स्थगित कर दिया गया है। दस्तावेज की जांच का जो शेड्यूल जारी था, भारी बारिश के कारण सब कुछ स्थगित कर दिया गया है। यानी कि सारी खामियां निकालने के बाद, त्रुटियां दूर करने के बाद 3-4 दिन लग जाएंगे, तो इसमें रिजल्ट दोबारा जारी करने के लिए, तो इसमें पीएमटी भी कह लें डिसमिस कर दिया है, स्थगित कर दिया है, तो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनिटी भी अभी तक डिसमिस है। ठीक है जी, 4 दिन बाद सारा रिजल्ट दोबारा रिवाइज किया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की अगर और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो, तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।